चाचा जी आ गए हैं और चाचा जी दिन में थोड़ा बिजी थे, अपनी सज्जा धज्जा में लगे हुए थे चाचा जी। तो शाम को सुनते हैं कि खबर आ रही है कि ये जो गौरव बेटा है, हाँ फ्लाइंग विश वाले गौरव बेटा हमारे, गौरव बेटा जी को पुलिस वाले अंकल लोग सब पकड़ के ले गए बच्चों, क्योंकि गौरव जी जो हैं, गौरव बेटा जो है वो मेट्रो के स्टेशन पे बर्थडे मनाने लग गए और सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा कर लिए। भीड़ इतनी जमा कर लिए और प्रशासन को कोई जानकारी भी नहीं दी इस बात की, तो धर लिया पुलिस ने जाके मौके पे, ले गई बैठा के अपनी गाड़ी में सैर कराने। मतलब इतना कैसे बिगड़ जाते हैं हमारे व्लॉगर्स, इतना कैसे बिगड़ जाते हैं ये हमें बताओ। हमारे जमाने में तो ये सब नहीं हुआ करता था, हमारे जमाने में हमने तो कभी भीड़ जमा नहीं की, तो ये गौरव भैया ने कैसे कर लिया आप लोगों के? तो ये तो भाई देखो गलत बात है, पसंद तो चाचा जी को भी बहुत है गौरव बेटा, लेकिन बेटा ये क्या कर दिया तुमने, क्या कर क्या दिया बेटा तुमने, ये तो भाई बहुत गलत बात की। हमारे जमाने में हम लोग कभी ऐसे बर्थडे नहीं मनाया करते थे बच्चों, ये जरा समझ नहीं आ रहा है मुझे। जरा समझने के लिए रुकिए, मैं अपनी ऐनक लगा लूं। तो बच्चों तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग भी इसी तरह बर्थडे मनाते हैं? आप लोग भी किसी स्टेशन पे किसी बस स्टॉप पे खड़े हो जाते हैं, बोलते आ जाओ सब हम आप बर्थडे मनाओ? क्या हो गया है हमारे आज के व्लॉगर बच्चों को, हमारे व्लॉगर बच्चे ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, कोई बताए मुझे, जरा बताए मुझे। गुस्से में मेरी नाक लाल हो रही है, ये गलत है, ये गलत है और ये अरेस्ट बिल्कुल सही है। ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि दुनिया में या इंडिया में जो हमारा नियम और कानून है उसके ऊपर कोई नहीं है, गौरव बेटा भी नहीं है और कैरी बेटा भी नहीं है। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा बच्चों, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, आगे से ऐसा नहीं करना। बाकी आप लोग तो है ही है, आप हमें बताइए नीचे कमेंट करके कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, गौरव बेटा ने ये सही किया, बताइए।